यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेंड योर हैक्स। तो आज हम बात करेंगे हमारी एक वन हैक की सीरीज जिसका नाम है रेड। तो यह पार्ट रहेगा हमारी वन हैक की जितनी मशीन है उसका। आप ये वन हैक की मशीन है मेरी प्लेलिस्ट वन हैक मशीन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है इसे किस तरह डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है अपनी मशीन में। यू कैन सी रेड इज लॉगिंग। ओके नाउ कम ऑन हैकर मशीन, दिस इज माय मशीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा आईपी को वेरीफाई करना। तो आईपी वेरीफाई करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारी मशीन सेयर नेटवर्क में होती है तो हम इसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं ईआरपी स्कैन के थ्रू। बट इन केस हमारी जो मशीन है वो हमारे सेम नेटवर्क ना होकर हमारे ही नेटवर्क में है बट सेम नेटवर्क में नहीं है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे नेट डिस्कवर। एंड रेस्ट, अगर आप किसी टारगेट मशीन पे वर्क कर रहे हैं जो इथरनेट मीन्स वैन पे वर्क कर रही है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इजीली एंड मैप और जो टारगेट टाइप। तो कम ऑन द पॉइंट, राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन सेम नेटवर्क, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ईआरपी। मैंने ईआरपी स्कैन किया, इससे मुझे आईपी मिल गई। ये मेरी आईपी है जिसको मुझे टारगेट करना है। ओके, आईपी टारगेट करने के बाद मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने एनएमएफसी स्कैन किया। एंड मैप में स्कैन करने के बाद मुझे इस टारगेट की जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, जिससे मुझे पता चल सके कि इस आईपी के अंदर मैंने क्या क्या फाइंड किया है और मैं उस इन्फॉर्मेशन से क्या कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज पोर्ट है वो है 22 जो ओपन है, जो SSH की सर्विस देता है। एंड देन पोर्ट 80 जो HTTP अपाची सर्विस देता है, जिसमें हम टाइटल देख सकते हैं। टाइटल में लिखा है हैक्ड बाय रेड, मीन्स ये जो वेबसाइट है ये हैक हो चुकी है एक हैकर के थ्रू जिसका नाम है रेड, इसलिए इस मशीन का नाम है रेड। एंड वेब एडमिन, दैट मीन्स ये जो वेबसाइट है ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। ओके, इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसे अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का इंटरफेस है। ओके, तो ये वेबसाइट है। ओके, तो चलिए इसे रीड करते हैं। योर वेबसाइट हैज बीन हैक्ड, यू विल नेवर फाइंड द बैकडोर। तो रेड ने हमें एक हिंट दिया है कि एक बैकडोर है जो इस वेबसाइट पर कहीं हाइड है। एंड बैकडोर जो है वो होगा PHP फॉर्म में। व्हाई? बिकॉज दिस इज द वर्डप्रेस वेबसाइट एड वेबसाइट जो वर्डप्रेस है उस पर यूज होता है PHP। तो अब हमारे पास हिंट है, हमें ये भी पता है कि जो बैकडोर है वो कौन सी फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में हम क्या यूज करेंगे, आइए दिखाता हूँ। तो हमें एक लिस्ट फाइंड करनी है जो कॉमन बैकडोर की है, उसमें क्या है जितनी भी बैकडोर है PHP के उनकी लिस्ट है। किसी ये आपको कहाँ मिलेगी, सेक लिस्ट में। तो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है। तो इस लिस्ट की हेल्प से हम उस बैकडोर को फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं
मैंने DIRB यूज़ किया है, इसमें क्या होगा, ये इस लिस्ट को चेक करेगा और मेरे को शो करेगा कि किस पे इसे रिस्पॉन्स मिल रहा है। नहीं, इसने स्टार्ट कर दिया है। तो स्पीड तो ये 1 1 1 चेक कर रहा है। रिस्पॉन्स में क्या चाहिए, रिस्पॉन्स में चाहिए 200 और 500। और यू कैन सी इसने जो है चेक कर लिया है, तो मतलब हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा नेटवर्क मैनेजर। ओके, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमने मशीन फाइंड कर लिया है। राइट क्लिक करके इसे मैं ओपन करता हूँ। ओके, यू कैन सी तो रिस्पॉन्स 500 का मीनिंग क्या है कि कुछ मिसिंग है, मतलब फाइल इज अवेलेबल बट नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो ये जो PHP बैकडोर है ये वर्क करेगा पैरामीटर, लाइक आपने देखा होगा हम जब भी कोई बैकडोर इंसर्ट करते हैं किसी वेबसाइट में तो मोस्ट ऑफ जो पैरामीटर होता है वो होता है CMD इज इक्वल टू आपकी कमांड, लाइक LS, IT और एनीथिंग। बट यहाँ पर हमें नहीं पता कि वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे फज, और फिर से फज का यूज करेंगे। कैसे दिखाता हूँ, तो ये फज हम यूज कर चुके हैं, अब हम यूज करेंगे कुछ डिफरेंट थिंग। तो फजिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल, जैसे गो बस्टर, फफ, चलिए मैं फफ यूज करता हूँ। तो हम बात करते हैं पैरामीटर की, तो पैरामीटर की लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, इसके लिए आपको बस क्या करना है, यू कैन सी ये रही पैरामीटर लिस्ट, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी वाइट नाइट 7 यूजर में जो कि गिटहब में है। ओके, तो चलिए अब इसको चेक करते हैं, हिट रन, वेट फॉर कंप्लीट, हमें क्या फाइंड होता है, तो क्या पैरामीटर फाइंड करता है। ओके, यू कैन सी इसने फाइंड कर लिया, इसने बोला ही है जो स्टेटस है वो है की। ओके ग्रेट, फफ को जो फर्स्ट जो है वो एक बहुत ही फास्ट ब्रूट फोर्स और फजिंग टूल है। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है अपना पैरामीटर रखा वो है की, और की के बाद मैंने इसे पहले चेक किया। चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे हमारा /passwd, एंटर। तो यू कैन सी द बैकडोर इज वर्किंग, तो हमारे पास जो है बैकडोर है और की है, तो उसके थ्रू हम यहाँ पर जो भी डाटा है वो चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर LS चेक करता हूँ एक बार। ओके, यहाँ पर कुछ शो नहीं होता, मैं राइट क्लिक करके देखता हूँ कि कुछ कुछ दिखता नहीं। ओके, दैट मींस यहाँ पर एक की वर्क कर रही है बट यहाँ पर जो है डाटा रीडेबल नहीं है। तो हमें अब क्या करना होगा जिससे हम डाटा रीड कर सकें, क्योंकि हमारे पास बैकडोर है, उसका पैरामीटर है, बट अब हमें रीड करना है डाटा। हम डाटा जो है रीड नहीं कर पा रहे, लाइक हम जो कोई भी फाइल है उसे रीड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर वेब कॉन्फिग फाइल रीड करनी है, मैं हिट एंटर करूँगा, मुझे यहाँ कुछ भी शो नहीं होता है। इसी चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा फिल्टर, PHP फिल्टर, जो मुझे कहाँ से मिलेगा वो मुझे मिलेगा पेलोड ऑल थिंग्स से। अब पेलोड ऑल थिंग्स में मैं उस फिल्टर को फाइंड करूंगा एंड उस फिल्टर से मैं अपनी कमांड को बाईपास करके डाटा को रीड करने की कोशिश करूंगा।
मैं कौन सा पिलोट फिल्टर लूंगा, लेट मी शो यू। आई नीड LFI PSV। Let me check. This one. Okay. हमें मिल चुका है पेलोड ऑल थिंग के अंदर, ये आपको मास्टर फाइल इंक्लूजन के अंदर मिलेगा। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पीएसपी का फिल्टर, वो हमें कहाँ मिलेगा आप देख सकते हैं, ये LFI RFI यूजिंग रैपर्स। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेटर रहेगा वो रहेगा ये वाला। वाई, यहाँ पर बेस 64 यूज होता है और मोस्ट ऑफ जो टेक्निक है वो बेस 64 यूज करती है, और यहाँ पर बेस 64 की वजह से हमें डाटा डिलीट करने कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज बेस 64 को इजीली डिकोड किया जा सकता है। यहाँ पर आया मैं, चलिए इस फिल्टर को टेस्ट करते हैं। कंट्रोल वी एंड इंडेक्स पीएसपी को मैं हटा देता हूँ, चलिए अब देखते हैं क्या ये रीड करता नहीं करता। You can see, इसने डाटा रीड कर लिया, that means our filter is working. Good. तो अब फिल्टर ने वर्क किया, हमारे पास डाटा भी आ चुका है, अब यह है बेसिक सपोर्ट डाटा, अब इसको हम डिकोड कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं यूज करूँगा साइबर सेफ इज अ बंडल ऑफ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेथड आपको मिलेंगे किसी भी डाटा को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो मैं, चलो मैं इस डाटा को रीड कर लेता हूँ, और कंट्रोल सी एंड कम हियर। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के डाटा हैं, मेथड जिससे आप किसी भी डाटा को इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंक्रिप्शन हो, चाहे पब्लिक की हो, एनी मेथड सब यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने अपना बेस 64 डाटा पेस्ट कर दिया, जिसे माय बेस 64 डाटा, और मुझे इसे डिकोड करना है, तो मैंने बेस 64 उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया। देख सकते हैं डाटा डिकोड हो चुका है, चलिए सब रीड करते हैं। ओके, द यूजर इज जॉन एंड पासवर्ड आल्सो हियर। ओके, तो इस चीज को मैं नोट कर लेता हूँ। मेरी फाइल है जो मैंने पहले ही बनाई थी, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो इसे बनाने में, तो मैंने जो है यूजर नेम और पासवर्ड जो है पेस्ट कर लिया है पहले ही। कैन सी हियर, ओके, इसकी भी आपको मैं बताऊंगा इसका क्या मेथड है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेश हो चुका है, अब एक बार हम चेक करते हैं यूनी फाइल, क्योंकि ये हैकर फाइल है तो इसमें जरूर कोई कोई हिंट होगा। एंटर, अगेन सेम कंट्रोल सी कंट्रोल 10 कम हियर, डिलीट आउटपुट एंड कंट्रोल बी। ओके, यू कैन सी एक की जिसे हमने ब्रूट फोर्स के थ्रू फाइंड किया था। ओके, एंड अगेन सेम थिंग, वी हैव ए मैसेज फ्रॉम राइट साइड, इसे हम करते हैं कॉपी।
कॉपी, इसे करते हैं डिलीट एंड कंट्रोल वी। तो जो डाटा आया है वो आया, ये देख सकते हैं आप। द पासवर्ड अलोन वोंट हेल्प यू, हैज कैट सेव गुड्स आर गुड्स। ओके, इसमें इन्हें जो हिंट दिया वो ये दिया है, हमें जो पासवर्ड फाइंड हुआ है वो पासवर्ड हमें हैज कैट रूल के थ्रू मिलेंगे। ओके, दैट मींस हमें इस पासवर्ड का जो है हैज कैट के रूल के थ्रू जनरेट करना होगा। हैज कैट जो हम यूज करेंगे इस टेक्निक में, वो यूज करेंगे इस पासवर्ड से मल्टीपल पासवर्ड जनरेट करने के लिए। तो इसमें जो ये पासवर्ड जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, इस पासवर्ड को हम पहले चेक करते हैं और उसकी फाइल क्रिएट करते हैं। तो ऐसे होगी, पहले मैं हाइड कर देता हूँ हमारी जो डॉट फाइल है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज अ पास टेस्ट, डबल क्लिक, दिस इज अ पासवर्ड जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये रहा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक वर्ड फाइल क्रिएट करेंगे लाइक दिस। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ कैसे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैं इसे ओपन किया, देन हैश कैट में क्या किया मैंने, पासवर्ड को पासवर्ड फाइल ली जिसमें पासवर्ड सेव किया था, एंड मैंने बेस 64 रूल लिया। ये रूल आपको कहाँ मिलेगा, ये रूल आपको मिलेगा बताओ कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है, इन सबको कॉपी करना है, कॉपी सीडी स्पेस एंड पेस्ट। आपको यूजर शेयर हैश कैट का फोल्डर होगा जिसमें यूजर जिसमें रूल्स नाम का फोल्डर होगा, उसमें हिट करना है एंड ls। यू कैन सी ऑल रूल्स आर हियर, आपको आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रूल को यूज करना है। लाइक जैसे मेरी वेबसाइट है, इसमें मैंने बेस 64 यूज़ किया है, इसलिए मैं यहाँ पर भी बेस 64 रूल यूज़ करूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, 43 पासवर्ड को रीड किया जिसमें मैंने हैश कैट कर के थ्रू बेस 64 रूल यूज़ किया, एंड अराउंड मैंने जो है वर्ड लिस्ट नाम से एक फाइल क्रिएट की जिसमें इस पासवर्ड के डिफरेंट पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे। नाउ हिट एंटर। ओके यस, सीडी बैक, नाउ वी कैन यूज। तो इसने जो है पासवर्ड फाइल को रीड किया एंड उसकी एक वर्ड लिस्ट क्रिएट कर दी। चलिए वो देखते हैं, दिस इज द वर्ड लिस्ट जो मैंने आपके सामने पहले डिलीट की थी, ये न्यू वर्ड लिस्ट है। इसका क्या काम है, इसने जो है जो पासवर्ड हमने प्रोवाइड किया था उसका इसने डिफरेंट पासवर्ड मल्टीपल जनरेट किए इसी वर्ड को यूज करके अपने एंड। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पासवर्ड लिस्ट है एंड हमारे पास एक यूजर नेम है, तो जैसे कि हमें पता है हमने nmap के थ्रू यहाँ पर जो फाइंड किया था कि पोर्ट 22 ओपन है, तो उस पोर्ट को हम चेक करेंगे, यूजर नेम जॉन एंड पासवर्ड विल बी दिस। तो एंटर, पहले मैं आपको ये पासवर्ड दिखाऊंगा यूज करके और फिर बताऊंगा ये पासवर्ड क्यों रन नहीं किया। यहाँ पर पासवर्ड क्यों वर्क नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर एक टेक्निक यूज की हुई है रेड के थ्रू कि यहाँ पर जब पासवर्ड होगा वो हर सेकेंड टाइम चेंज होगा ऑटोमेटिक, इसलिए हमने हैश कैट का यूज करके इस पासवर्ड के बहुत सारे पासवर्ड जनरेट किए ताकि हमें हर बार एक राइट पासवर्ड मिल सके जिसे हम यूज कर सके। अब हम पासवर्ड चेक करेंगे इसी साइट पे कैसे, चलिए देखते हैं।
तो अब हम यूज करेंगे हाइड्रा। हाइड्रा में एल लिया हमने जॉन, जो कुछ यूजर नेम है हमें पता है। पासवर्ड हमने लिया वर्ड लिस्ट, जो हमारी वर्ड लिस्ट है SSH और आई फॉर टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा हाइड्रा HYDRA स्पेस हाइफन एच। तो मैं आपको एक बार आई दिखाता हूँ, यू कैन सी आई। इसने कहा कि ये कोई ये वेट नहीं करेगा और अपनी जितने फाइल का उनको चेक करता रहेगा। ओके ग्रेट, तो अगेन सेम क्लियर एंड चलिए हाइड्रा को यूज करते हैं। मैंने एंटर किया, जैसे कि आप देख सकते हैं इसने एक पासवर्ड फाउंड किया है, दिस इज द फर्स्ट पासवर्ड। बट हम इस पासवर्ड को इग्नोर करेंगे, वाई, बिकॉज ये पहला पासवर्ड था। तो पासवर्ड जो है अब चेंज हो चुका है, हम कंसीडर करेंगे सेकंड पासवर्ड। ओके अगेन सेम पासवर्ड दिखा रहा है, चलिए ठीक है। एक बार फिर इसी पासवर्ड को चेक करते हैं क्या ये वर्क करता है। नहीं, अगर वर्क नहीं करता तो हम फिर से चेक करेंगे। कॉपी टैब, एंटर, कंट्रोल एंड पेस्ट एंड हिट एंटर। ओके ये पासवर्ड कंसीडर करता है, आप देख सकते हैं। हाँ, अब जोन अकाउंट में है, गुड। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या डिटेल्स। ओके कैट, तो ये एक रूल है जो सेट किया हुआ है। ओके अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो है आपको फास्ट वे में वर्क करना होगा, बिकॉज यहाँ पर जो है जब भी आप एक्सिट करेंगे पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। लाइक आई शो यू, जो मेरा पुराना पासवर्ड था मैंने कॉपी किया था, उसे मैंने पेस्ट किया, देन हिट एंटर। लेट मी वेट, क्या लॉगिन होता है या नहीं। ओके ये लॉगिन हो गया। तो जब भी आपको लगता है कि आपको पासवर्ड वर्क नहीं कर रहा है, आपको बस इस हाइड्रा को फिर से रन करना है एंड देन आपको पासवर्ड मिल जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ओके यू कैन सी आई पी सेक यूजर के पास कोई पासवर्ड नहीं है, तो हम इस यूजर को जा सकते हैं। ओके नो इशू, मैं यहाँ पर लिखा sudo हाइफन यू आई पी सेक, हिट एंटर। ओके वेट, लेट मी चेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एस यू वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बैस कमांड है उसकी कमांड यूज करेंगे यहाँ पर। इसके लिए देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर रखा है sudo hyphen u ipsec user then bash command, paste click and hit enter. Now you can see now we are entering ipsec user. ipsec user में हम एंटर क्यों हुए, बिकॉज ipsec user पे कोई पासवर्ड नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने बिन बैश कमांड का यूज करके यहाँ पर एंटर कर लिया। ओके सो फ्रेंड यू कैन सी द मैसेज शोइंग यू विल नेवर विन विद ब्लू, यू विल नेवर विन ब्लू, गेट आउट ऑफ माय मशीन। तो चलिए दिस इज द फर्स्ट पार्ट,
तो अब हमारे सेकंड पार्ट में हम इस मशीन को सक्सेसफुली क्लीन करेंगे एंड विन करेंगे. तो वेट फॉर माय सेकंड पार्ट एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय.